हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सब बंदों की अलग अलग ख्वाहिश रहती है कि वो कोई ना कोई बिजनेस से काम करें, जैसे कारपेंटर हुआ, मोची हुआ, बॉडी बिल्डर हुआ। आप देख सकते हैं कंपटीशन में बॉडी बिल्डर देखो कैसे कंपटीशन लड़ते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे ये देखो कॉम्पिटिशन लड़ते हैं बॉडी बिल्डर, आप क्या बनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएँ। और कई IAS होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और बिना मेहनत के तो कोई काम करना असंभव है। आप देख सकते हैं लड़की विदेश की है, जो फिलहाल में टीचर है अभी। इन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपनी इस उम्र पे। ये अफसर हैं पुलिस में, और आप देख सकते हैं ये लोको पायलट हैं जो ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, और इन्होंने भी अपने काम में अच्छी भूमिका निभाई है। ये IAS रवि कुमार हैं जो इसी बार 2023 में सेलेक्शन हुआ है इनका। देख सकते हैं इनकी कितनी वैल्यू बढ़ गई है इस क्षेत्र में। ये रवि कुमार जी हैं हमारे, और दिव्या IAS बनी है इस बार 2023 में। तो आप भी अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा मुकाम हासिल होगा, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहें। मज़े तो ज़िंदगी में हमेशा होते हैं, लेकिन कोई काम को अच्छा करना वो सब तरीके से करना चाहिए। देख सकते हैं IAS ऑफिसर हैं, एयरफोर्स में लगे हुए हैं। इन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ इस इंडियन नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। देख सकते हैं इंडियन नेवी के ऑफिसर की वाइट ड्रेस है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोई भी इंडियन नेवी में ज्वाइन होना चाहता है उसको नेवी SSR काफ़ी फॉर्म निकलते हैं सरकारी .com पर, उस पर देख सकते हैं आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की वैल्यू तो और भी ज़्यादा है, लेकिन जॉब थोड़ा हार्ड है। लेकिन देश की सेवा करना सब इंसान के मन में होता है, और ये देख सकते हैं हमारी दिव्या जी हैं जो इस बार इनका सिलेक्शन हुआ है IAS में। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी।